मोदी जी, कोई भी लीडर हैं जो प्रधानमंत्री 2 बार रह लें, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। इस देश में 3 बार सिर्फ नेहरू जी चुनाव जीत पाए, बट आपके खिलाफ ग्राउंड पे जब हम जाएं तो लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है। तो 272 जब पार हुआ 2014 में, तो लोगों ने कहा मोदी जी की आंधी है देश में। अगर अब 370 पार हो रहा है तो ये क्या है? आपको लगता है आपकी लोकप्रियता भी चरम पर है, और ये प्यार क्यों है लोगों का? मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता हूँ और न ही मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं काम क्या करता हूँ उसका एनालिसिस होना चाहिए। मेरे काम में और औरों के काम में फर्क क्या है? आम तौर पर जो सरकारें चलती थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनवाओ, और उनको लगता है देश चलता है। और ज़्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रहीं। कांग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी। देश आज़ाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी, संयुक्त विधायक दल बना, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया। उन्होंने खुद ने देश के लिए करने के बजाय विरोधी दलों को खत्म करने में ही अपनी शक्ति लगाई, इसलिए ऑल्टरनेट खड़ा नहीं हुआ। अदरवाइज 67 के चुनाव में ही देश उनको रिजेक्ट कर चुका था। हिंदुस्तान में आप देखिए सरकारों के अलग अलग मॉडल अब देश के सामने आ चुके हैं, और मैं तो मानता हूँ ये केस स्टडी का विषय है। यूनिवर्सिटी करे, कोई मीडिया करे, कोई मीडिया पर्सन किताब लिख सकता है। देश ने एक कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने पारिवारिक पार्टियों का भी मॉडल देखा है, जो ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, उनका मॉडल भी देखा है। दो देश ने मिलीजुली सरकारों का मॉडल भी देखा है, और बीजेपी सरकार का भी मॉडल देखा है। उसका एनालिसिस करना चाहिए, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, किसकी क्या प्रायोरिटी रही, किसने किसके लिए काम किया। एक 100-200 पैरामीटर तो आप देखेंगे द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल बीजेपी का मिलेगा आपको। और जब परफॉर्म करते हैं तो सामान्य मानवीय का विश्वास बढ़ता है। फिर एंटी इनकम्बेंसी किस बात की होती है कि एक ऐसी सरकार, मेरा ये नहीं हुआ। हरे का होता नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी में कोई हरे का हो गया ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज पब्लिक मीटिंग में जाके मैं कहता हूँ भाई आप लोग चुनाव में जो करते हो करते रहना, लेकिन मेरा एक काम करना। और कहता हूँ मैं कि कहीं आप जाए झुग्गी झोपड़ी में कोई रहता है ऐसा मिले, या कोई कच्चे घर में रहता है, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना, क्योंकि हम जो मकान बना रहे हैं 4 करोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई छूट जाए। तो मैं 4 जून के बाद मेरी नई टर्म में मैं उनको मकान देना चाहता हूँ, 3 करोड़ मकान बनाना चाहता हूँ। आप अगर कोई नज़र में आ जाए तब उसका विश्वास पैदा होता है कि आदमी वोट भी मांग रहा है लेकिन साथ में काम भी कह रहा है, यार मुझे तो मेरा तो ध्यान है उन 3 करोड़ घर बना के दे रहा है। विश्वास पैदा होता है। अब डिलीवरी जब करते हैं, और मेरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है जो हिंदुस्तान की सभी सरकारें कभी मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में भी कॉम्पीट नहीं कर पे, वो है लास्ट मिनट डिलीवरी। मैं योजनाएं जिसके लिए बनाता हूँ उसके लिए, और मेरा इसके लिए काम करने का मेरा तरीका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग अलग स्तर के एक 20-22 अफसरों को बुलाया, कुछ सीनियर मोस्ट थे, कुछ एकदम जूनियर थे, कुछ मिडिल लेवल को 20-22 को बुलाया। तो उनको पता नहीं था मैंने क्यों बुलाया, बैठाया सबको, फिर मैंने सबको एक पैर दिया लिखने के लिए, वो लेकर के ही आते हैं डायरी, मैंने उनको दिया। मैंने कहा मुझे आप बताइए कि एक वीडियो है, गांव में रहती है, अनपढ़ है, तो सरकार की ये स्कीम है, उसकी वो हकदार है, उसको ये प्राप्त करने के लिए स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 2 क्या करना, 3 क्या करना, 4 करना, कैसे करना,
कहाँ जाना, मुझे आपकी मैंने डायरी दी इसमें लिख करके बताओ। मैंने उनको कहा लिखो, ये भी सरप्राइज, सबके सब फेल हो गए। फिर मैंने कहा, मैं कुछ वो नहीं, बड़े प्यार से बात करता था, मैंने कहा मुझे बताइए भाई, आप IAS अफसर हैं, किसी की 20 साल की नौकरी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, आपको पता नहीं है कि एक वीडियो को बेनिफिट लेने के किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लेना होता है अप्लाई का। मैंने कहा बताइए, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई, उस वीडियो को क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है यार कुछ तो कमी है, और फिर वो करेक्ट करते थे। तो मैं, मेरे दिल में ये रहता है कि भाई मैं योजना बना दूँ, वाहवाही करूँ, एक एडिटोरियल छप जाए, ठीक है मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आम आदमी, मेरी पूरी कार्यशैली ये लास्ट में डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस की है, और उसका परिणाम होता है दूसरे। जैसे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान में तो सरकार ने क्या करना था, लेकिन मैं झाड़ू लेकर के घूमता था। छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा मोदी जी ने ना कहा है, इस चीज को छोटी मत मानिए जी, आज के युग की बहुत बड़ी घटना है। इसी के लिए आप लोगों का शब्द है प्रोइनकम मंच से, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी कहे सो हमने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए। वो देश देखता है जी, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, उसको सब समझ होती है। तो मुझे आज तक मेरे जीवन में यही बेनिफिट मिला है।